अरे यार स्कूल की लाइफ कितनी मस्त थी ना यार। हाँ यार, लेकिन शादी के बाद, शादी के बाद लाइफ कितनी चेंज हो जाती है, और ऊपर से अगर शादी अरेंज हुई हो तो और अलग। अरे पर तेरा तो कॉलेज में किसी से अफेयर था ना? था तो, मगर यार मैं उसके फैमिली वालों को कभी कन्विंस नहीं कर पाया और वो अपने पेरेंट के अगेंस्ट भी जा पाई। शादी होना एक बड़ा चीज था मेरे लिए। मैं अपनी वाइफ के लिए वो सब कभी कभी नहीं फील कर पाया। लेकिन शादी के कुछ साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ, और उस दिन रोया न सोया, दिल बिन तेरे जाना, तेरी याद आईया हुई शाम तू आना। हम सारे क्यों हमको मिल गए, हुआ कितना दर्द फिर भी चुप रहे। जो टूटा भाई जल्दी करो, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। हाँ बस 2 मिनट में आई। यार रिश्ते तू सारे तोड़ दे, जो टूटा दिल मेरा जोड़ दे। तुम्हें पता है कि मुझे कितना काम है? ऑलरेडी देर हो चुकी है, प्लीज जल्दी करो। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आपका लंच लेके। डियर आदित्य, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इस तरह सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था। आई नो तुम सीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या करूं, नया नया पति बना हूं ना। डियर आदित्य, आज तुम्हें गाते हुए सुना, बहुत मीठी आवाज है तुम्हारी, अपने ये गीत कभी मत खोने देना। डियर आदित्य, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने अपनी माँ की निशानी कंगन। आप ये सब, इतना सब शायद मैं भूल गया था कि जिंदगी की भागदौड़ में मैं तुम्हें पीछे भूल गया है ना। नहीं सूरज, ये कोई बात नहीं। तो कैसी बातें आती थी, मैं शायद भूल गया था कि मैं तो अपने दिन ऑफिस में बिता लेता हूँ, लेकिन तुम तो कहीं नहीं जाती, किसी से बात ही नहीं करती, और मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, तुम्हारे इस हाल को कभी नहीं देख पाया। शादी के इन 4 सालों में मैं शायद कितना बिजी रहूंगा, कभी तुम्हारा भी मन क्या होगा कि मैं तुम्हारे साथ सुकून से बैठूं। बार तुमने अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए होगी, और मैं फोन में मिल चक्कर करता हूँ। तुम्हारी आंखों में दम तोड़ती हसरतों को मैंने ना जाने कितनी बार अनदेखा किया होगा। चलो दीदी, हम लोग फिर से नई शुरुआत करते हैं। बोलो मैं जो मुझे तुम्हारे साथ बिताने चाहिए थे, उन नमों को फिर से जीते। सच तब मुझे पता चला जो होता है सही के लिए होता है। मेरी छोटी, तू बता। मैंने सुना तूने लव मैरिज की। हाँ यार, लव मैरिज की और बहुत खुश भी हूँ। लेकिन कभी कभी ना लोगों को अपनी खुशी रास नहीं आती, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। ओफ़ को, अब तो जाओ।
देखो आई एम लीविंग फॉर ऑफिस। चाय और नाश्ता तो मैं ऑफिस में कर लूंगी, लेकिन आज रात को डिनर में भिंडी बना लेना प्लीज। और अब तक तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? अरे अब इन्हें कौन समझाए कि सब चीजें अपनी गति से ही होती है ना। सूरज थोड़ी बल्ब की जैसे एकदम से जल उठता है, वो भी तो अपनी गति से ही उठता है ना। तो फिर मैं भी तो अपनी गति से ही चलूंगा ना। खैर वो ये सब कहां सुनने वाली थी, वो तो चली गई ऑफिस। अब बचा मैं और मेरी तन्हाई। वैसे मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और सुबह उठ के नाश्ता मैं ही बनाता हूँ और बनाता गया हूँ, जादू करता हूँ जादू। वैसे हम एक आदर्श कपल है, मैं एक आदर्श पति की तरह घर पे खाना बनाता हूँ और उसके आने का इंतजार करता हूँ, और मेरी बीवी एक आदर्श बीवी की तरह रोज ऑफिस जाती है और वक्त पर घर आ जाती है। लेकिन जैसे हर टीवी सीरियल में एक ट्विस्ट होता है ना, ट्विस्ट जैसे हर मूवी में एक विलन होता है, जैसे हर चांद में एक चांद तो एक ही होता है ना, पर पॉइंट ये है कि उसमें भी दाग होता है ना। हमारे रिलेशन को भी किसी की नजर लग गई। एक दिन वो बहुत परेशान घर पे आई और बोली, बस बहुत हो गया, अब से तुम घर पर काम नहीं करोगे, मैं घर पे काम करूंगी और तुम ऑफिस जाओगे। क्या की बोली जा रही है तू? आज अचानक ऐसी बातें, किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? ऑफिस में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, मुझे नहीं पसंद। बस आज से मैं घर पे काम करूंगी और तुम ऑफिस जाओगे, दैट्स इट। वो तो जैसे मानने को ही तैयार नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। यार ये पक्का क्यों नहीं चल रहा? अब पता नहीं कहां रख दिया, याद ही नहीं आ रहा, यही तो रखा था बिल। क्या तूने बिल बिना जमा किए घुमा दिया? हाँ घुमा दिया, और मैंने दूध भी फाड़ दिया। क्या मुझसे नहीं संभल रहा है घर, मैं बहुत बुरी कुकू, क्या करूं? पूजा मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था कि यार मुझसे भी जॉब नहीं हो रही है और मुझे तो ये डालने ही नहीं आते। ऑफिस के लोग? अरे छोड़ो ना ये सब, हम तो हैं ही इम्परफेक्ट, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है और हमें ये बात किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ रोहन, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, यही तो जरूरी है। तुझे क्या हुआ अभिजीत, तू इतना चुप क्यों बैठा है? यार हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। रिया अब तू रोना बंद करोगी? सॉरी। क्या बात है बताओ? कुछ नहीं। अरे मुझे जानना है, आई कांट सी यू लाइक दिस। रिया तुमने एक हफ्ते से शॉपिंग भी नहीं की, ना तो तुमने शूज लिए ना न्यू बैंगल्स, और ये देखो आज से तुम्हारे इयररिंग्स भी तुम्हारे शूज से मैच नहीं कर रहे, ये तो सच में बड़ी प्रॉब्लम है। रिया झूठे मैच तो कर रहे हैं। अच्छा चलो बताओ क्या बात है, बाद में तो तुम्हें मुझे बता नहीं, इसलिए अच्छा भी बता दो। क्या हुआ? अर्जुन ने फिर से पूछा।
वे में। समझ में नहीं यार, कैसे बताऊं? बताओ ना, क्या बात है? फिजिकली उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उसने सोचा कैसे ऐसा? और तुमने तुमने क्या जवाब दिया उसे? मैं नहीं कर सकती, but I love him and despite everything he's sweet. रिया छोड़ मैं उसे नहीं छोड़ सकती। What do you mean मैं नहीं छोड़ सकती? Of course छोड़ सकती हो। मेरा मतलब you are so sweet and cute, रिया तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है ना? मैं नहीं छोड़ सकती उसे। I love him. अभी कल की बात है कि he gave me that really cute teddy bear keychain and said the sweetest things about me. And then he went to that place too. रिया वो मैं था। तुम इसे क्या प्यार कहती हो? ये है तुम्हारा प्यार? अरे वो तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक बना रहा है, तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है गांजी से। अभिजीत, one word and I will slap you. What one word? जाके उसका बोलो ना, मुझे क्या बोल रही हो? मुझे बोल सकती हो, उसे नहीं। क्यों रिया, मैं पिछले 6 महीने से तुमको रोता हुआ देख रहा हूँ। रिया मैं तुमको ऐसे नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा रोता हुआ नहीं देख सकता। रिया रिया why don't you understand? Enough! I'm leaving! हाँ तो जाओ उसी के पास जाओ। तुमको तो वैसे लोग पसंद है जो तुम्हारा फायदा उठाए। क्यों? लाई भी न गई तन भाई भी न गई, लाई भी न गई तन भाई भी न गई, मैंने मारता जहान में सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, जीवे टूटिया अंबर तो तारा। हर किसी को प्यार मिल जाए ये जरूरी नहीं, इसलिए आज तक मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। कोई नहीं यार, आज नहीं तो कल तुझे तेरी रिया मिल जाएगी। चलना यार, एक और पंक मारते हैं। Excuse me. Yeah. One more pick. Okay. चलें।